उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने किसानों को बिना किसी शर्तों के मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने की मांग उठाई है। टिकैत ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में किसानों को निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। बजट में भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन अब सरकार ने शर्तों के साथ किसानों को निजी नलकूपों पर फ्री बिजली देने का आदेश दिया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने शर्तों के साथ किसानों को निजी नलकूपों पर फ्री बिजली देने का आदेश दिया है। अपने पत्र में टिकैत ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के उस पत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। टिकैत ने अपने पत्र में कंपनी के आदेश की कॉपी के कुछ बिंदुओं को भी रेखांकित किया है। इसके अलावा टिकैत ने किसानों को सामान्य योजना के तहत नलकूपों के कनेक्शन देने की भी मांग उठाई है। टिकैत ने कहा है कि जिन किसानों ने सामान्य योजना के तहत रसीद कटवा ली है, उनको इसी योजना के तहत नलकूपों के लिए कनेक्शन दिए जाएं। इसके अलावा अपने पत्र में किसान नेता ने विद्युत उपभोक्ताओं और 24 घंटे बिजली न मिलने का भी मुद्दा उठाया है। तो ये इस वक्त की किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली योजना को लेकर मांग उठाई है। टिकैत ने अपने पत्र में किसानों को बिना शर्तों के मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने की मांग की है।